जो बच्चे इन्हीं टेस्ट में बिल्कुल ये समझ लो सेंचुरी मारने की कोशिश करते हैं कि हमको इसी में हीरो बन जाना है, वो आगे आते आते डिप्रेस हो जाते हैं। और जो बच्चे दिमाग में ये रखते हैं कि ये प्रैक्टिस टेस्ट है, एक चीज हमेशा याद रखो। आप देखो, मैंने आपको बार 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 एक ही बात बोली है कि एग्जाम को क्वालिफाई करना एक साइंस नहीं, एक आर्ट है। आप समझो इस बात को, आपको क्या करना है देखो। और ये जो टेस्ट है, दीज आर प्रैक्टिस टेस्ट, इस बात को समझना। जो बच्चे इन्हीं टेस्ट में बिल्कुल ये समझ लो सेंचुरी मारने की कोशिश करते हैं कि हमको इसी में हीरो बन जाना है, वो आगे आते आते डिप्रेस हो जाते हैं। और जो बच्चे दिमाग में ये रखते हैं कि ये प्रैक्टिस टेस्ट है, ये केवल और केवल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये हमको बताएंगे कि हमारी क्या चीज कमजोर है, कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है, तो वो स्टूडेंट्स बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आपके सामने है, आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, समझ में आ गया, चलना आपको ही है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप टेस्ट दे के आओ, मेरे सब्जेक्ट में नहीं, आप हमेशा क्या किया करो, आते से ही आप नोट्स पूरे पढ़ा करो। सबसे पहले आपने पेपर एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आप नोट्स पढ़ा करो। समझ में आ गया, बिना नोट्स पढ़े हुए वो रात आपकी नहीं गुजरना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपकी रात नहीं गुजरना चाहिए। और जैसे ही आप नोट्स पढ़ोगे, ट्रस्ट करना, जो क्वेश्चन आपका आज गलत हो गया वो आपका लाइफ में कभी गलत नहीं होगा। समझ में आ गया, तो इस बात को हमेशा याद रखो।